बेटा हार्दिक आप टेंथ के पेपर दे रहे हो ना? Yes, पक्का? Yes. एक महीना रह गया? Yes. ओके, यू आर आस्किंग हमारा सिलेबस ए है कि बी है? बस फिर जिसमें संचय है उस पर्चा वो वाला सिलेबस है, बी में ए में क्षितिज होता है, हाँ क्षितिज और प्रीति का है ना हमारा प्लीज हमारा नहीं थी वो कभी भी नहीं थी हमारा कोर्स बी चल रहा है ठीक है और हमारी बुक्स हैं स्पर्श और संचय हमारे लेसन हैं 3 पॉइंट्स और 2 लेसन मैंने कल परसों भी डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ 3 कविताएं हैं और तीनों हटके हैं मनुष्यता कविता है उस दिन जिस दिन मैंने ये डिस्कस किया था आई वॉज इन जोश में कह सकते हैं कि सारा उबल दिया था मैंने सारे लेसन का तो मनुष्यता कविता मनुष्यता पे है कि कैसे हम मनुष्य होकर मेरी खास पीछे नहीं है निष्ठा नहीं है दक्षता नहीं है पता नहीं क्यों नहीं है तो कैसे हम मनुष्य होकर बचे मनुष्य होकर मनुष्यता को भूल जाते हैं कोई और धर्म बड़ा नहीं है सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता ठीक है उसमें 8 पैराग्राफ शामिल है और 1 2 3 करके मैंने हर पैराग्राफ डिस्कस किया हुआ है दूसरी कविता है कर चले हम पैदा जो आपको मैंने क्लास में करवाई थी और आपको मुझे लगता है आप देख राघव आपको कर चले हम फिदा कविता किसकी है कैफी आजमी की आती है ना क्योंकि वो मैंने क्लास में करवाई थी इसकी आती है हाँ और एक तीसरी कविता पर्वत प्रदेश में पावस जिसमें प्रकृतिक चित्रण है ठीक है सुमित्रा नंदन हाँ सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया रह गई मेन एक मनुष्यता कविता जो आपके साथ क्लास में डिस्कस होने वाली है चैप्टर कारतूस और जेन की देन चालो यू वाला वो भी क्लास में डिस्कस हुआ है आपके आपके सामने वही जो लाइव क्लास में डिस्कस हुआ है वो आपको मनुष्यता पूरी तरह डिटेल नहीं वो जो उधर की थी वो पर्वत प्रदेश में पावस थी होगी लेकिन मनुष्यता एक बार फिर दोबारा आपके लिए डिस्कस होने वाली है मुझे पता है ठीक है ये हमारे लेसन है उधर संचयन में चले जाए तो संचयन पूरी बुक आनी है पूरी बुक आनी है ही चैप्टर 3 ही चैप्टर है हरिहर काका दूसरा सपनों के से दिन तीसरा टोपी टोपी चुकला सपनों के से दिन भी आपने डिस्कस किया मैंने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है सपनों के से दिन बचपन के टाइम्स हम बचपन में क्या थे हम बचपन में क्या थे कैसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता लेखक को हार्दिक राघव प्लीज मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं आप अलग हो जाओ खुद मैं मुझे पता नहीं कुछ बोला पर मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ ना मेरे में कमी है आप में कमी नहीं है बुक की जरूरत ही नहीं है वैसे भी मैंने स्पर्श में से कुछ करवा रही नहीं है पानी पिया होता थोड़ा राउंड लगा रहा हाँ बस थैंक यू हमारा लेसन सिर्फ हमारा यही सिलेबस है लेकिन उधर जो ग्रामर का सिलेबस है ना जो राइटिंग स्किल है वो कम करते हैं सबसे पहला हमारा राइटिंग स्किल अनुच्छेद है ठीक है वो आप लिख ही लेंगे दैट इज ऑफ 6 मार्क्स फिर पत्र दैट इज ऑफ 5 मार्क्स नहीं लिख पाएंगे इसका कॉम्पेटमेंट करवाऊंगी क्लास में ठीक है फिर है सूचना नोटिस दिस इज ऑफ 5 मार्क्स पर दो आनी है दो पेपर में 2 सूचनाएं बनानी आनी है हाँ जी एक सेट में 2 आनी है पता नहीं चॉइस करनी ठीक है उसके बाद है हमारा लघु कथा शॉर्ट स्टोरी दैट इज ऑफ 5 मार्क्स एंड 1 मोर इज ये भी 2 हिस्सों में है हाँ जी यानी हाँ इस बार तभी तो कह रही हो ना इस बार ये जो 5 चीजें हैं 1 2 3 4 5 यही 7 में आ रही हाँ
सारी नहीं, इसमें भी ये दो दो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सात चीजें हैं यहाँ पे, सात चीजें नेचर जो है वो लिटरेचर आपके लिटरेचर सारी 14 नंबर, तभी तो वरेड हूं मैं। छोटा क्वेश्चन कोई नहीं, वन मार्क का क्वेश्चन कोई नहीं, जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्रिएटिव हैं क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव मींस लेसन में से, जैसे मैं सपोज शुरू करती हूँ, जे इनकी देन से शुरू करती हूँ, है ना, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आजकल प्रगति करते हुए युग में आपको लगता है कि लोग दौड़ते हैं, चलते नहीं दौड़ते हैं, ठीक है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए उन्हें चैन कैसे मिल सकता है। अब लेसन में से कुछ नहीं पूछा, पर सब कुछ लेसन में से पूछा ना, तो क्या करना होगा हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बोल दिया? नहीं, प्रकृति की गोद में जाना होगा, ये लिख सकते हैं हम, साथ में हम ये लिख सकते हैं पाठ के आधार पर विकसित या विकासशील देश चलते नहीं भागते हैं क्योंकि वह प्रतियोगिता करते हुए प्रथम आने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए वो अपना हर काम तेजी से करते हैं। जब इंसान तेजी से काम करता है तो उसका दिमाग जो है बहुत तेज दौड़ता है, उस पर जैसे स्पीड इंजन लगा हुआ हो, ठीक है, स्पीड इंजन का उसमें वर्णन किया उसने। लोग वहां बोलते नहीं बकते हैं, चलते नहीं दौड़ते हैं, ये शब्द का इस्तेमाल लेखक ने किया हुआ है हमारे लेसन में, ठीक है। इतना कहने को चाहिए अगर इस प्रगतिशील जमाने में हम मानसिक रोग से बचना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो हमें प्रकृति की गोद में जाना होगा, कुछ समय के लिए आंखें बंद कर शांत बैठना होगा, या फिर लेखक के अनुसार जापान की विधि के अनुसार चानो यू के अनुसार अपना एकांतवास निकालना होगा, एकांत समय निकालना होगा। जैसे वहां बताया गया है कि बहुमंजिला इमारत की टॉप पर एक पर्ण कुटी बनाते हैं वे, वैसे ही वैसे ही हमें भी शांत वातावरण में अकेले जागते हुए बैठना होगा और अपने दिमाग की गति को रोकना होगा, तभी हम मानसिक रोगों से मुक्त रह सकते हैं। समेटना फिर लेसन ही है, हमें आंसर देते हुए समेटना फिर लेसन ही है, शुरू लेसन से करके अंत लेसन पे ही आना है। जैसे दूसरा लेसन मैं शुरू कर रही हूँ संचयन का, वो आपकी भूख है, वो देख क्या है पीछे, वो देख, वो चढ़ जाएगा तेरे ऊपर, खड़ा हो, सदाउन दैट वाज थेरेपी पर होगा होगा। अच्छा चलिए, हम बात कर रहे थे कि संचयन का दूसरा लेसन है सपनों के से दिन, बस राघव वापस, सपनों के से दिन बेटे, सपनों के से दिन लेसन में उसने पीटी सर ने बताया है कि हमारा बचपन कुछ खास मजेदार नहीं था, कुछ बढ़िया नहीं था। गुरदयाल सिंह है, बहुत बड़े राइटर हैं पंजाबी के, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा बचपन कुछ खास नहीं था। क्या नहीं था? कहते मेरे भाई बहन पढ़ते थे, सब छोड़ गए पढ़ना, क्योंकि एक रुपया तब लगता था, वो भी मुश्किल लगता था कि इतना खर्चा हो जाएगा पढ़ाई पे, तो कोई पढ़ना नहीं चाहता था। कहता मैं पढ़ता गया हूँ क्योंकि हेडमास्टर ना मेरे से एक क्लास बड़ी के बच्चे को पढ़ाते थे, उसकी पुरानी किताबें सारी मुझे ला के दे देते थे, इसलिए मैं पढ़ता गया, मुझे पढ़ना पड़ा। कहते स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगा, स्कूल के बाहर जो पेड़ पौधे लगे होते थे उसमें फूल लगे होते थे ना, वो उसकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जाना जब जहाँ जाना नहीं होता ना तो वहां की फ्रेग्रेंस हमें अच्छी नहीं लगती थी। कहता कभी भी स्कूल लगा ही नहीं कि जाने के लायक है, स्कूल जाना बच्चों को भारी लगता है, स्कूल क्यों जाना, क्यों यार रोज सुबह उठना रोज जाना। कहता हमारे जो बाकी लोग थे ना वो कहते होते थे कि रहन दो बच्चों को क्या करना है, स्कूल भेज के इतना खर्चा करके घर में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे और काम हो जाएगा, ठीक है, नहीं जाते थे। फिर उसने कहा कि स्कूल में ऐसा कुछ था भी नहीं कि हम जाएं, ऊपर से टीचरों का डर, पीटी मास्टर खाल खींचने चमड़ी उधेड़ देने वाले काम करते थे, बहुत मारते थे,
कभी उन्होंने शाबाश गुड तो कहा ही नहीं ना किसी को ना, मतलब लाइन में खड़े हुए कोई हिला नहीं, किसी ने टखना नहीं हिलाया कि डंडा। बड़े बड़े बूट पहने होते थे, पीटी सर ने छोटी हाइट थी पर मारते बहुत थे। एक बार फोर्थ क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो फारसी का कुछ शब्द रूप सिखा रहे थे, तो उन्होंने मुर्गा बना दिया तो मार रहे थे, तो वहां से प्रिंसिपल निकले और उन्होंने कहा इज इट द वे टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास, तो उन्हें बुला लिया उन्होंने अपने पास, प्रिंसिपल ने बुला के उन्हें मुअत्तल कर दिया कि गो एंड सिट एट होम, जब से ऊपर जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आते आप स्कूल नहीं आ सकते। उसे कहते हैं मुअत्तल करना, मुअत्तल कर दिया उन्हें, घर बैठा दिया। अब वो ही पीटी सर जो हमारी खाल खींच लेते थे घर में, तोतों को अपने हाथ पे रख के छील के बादाम खिलाते हैं, यानी वो हमें सख्ती से हमारे साथ पेश आते थे, घर में जानवरों के साथ बड़े सॉफ्ट, क्योंकि अनुशासन मुझे समझ ये आती है इस लेसन में क्या निचोड़ निचोड़ा है कि बच्चों को कुछ सिखाने के लिए सख्ती होना बहुत जरूरी है। बीच में उसने ये भी कहा कि बिना डरे तो परमात्मा से प्रीत भी नहीं लगाता इंसान, डर तो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ठीक है। एक बार पीटी सर, कभी कभी लेखक कहता है हमें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। कब अच्छा लगता था? जब लंबे लंबे बूट पहन के, ड्रेस पहन के, झंडियां पकड़ के 1 2 3 अबाउट टर्न फौजी जैसे करते ना, है ना, और उस समय शाबाश मिलती सर से, पीटी सर से, तो ऐसा लगता है जैसे हम फौजी जवान बन गए हैं, ठीक है। तो वो कहते बहुत अच्छा लगता था स्कूल जाना। बस दिस इज द लेसन। अब इस लेसन में से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके हिसाब से? खाल खींच लेना अच्छा है या बहुत सॉफ्ट होना अच्छा है, आप आज के वातावरण के हिसाब से बताओ। तो वेन एवर यू विल राइट क्वेश्चंस लाइक दिस ना, तो हम एक तरफ नहीं जाएंगे, हम उसे सम अप करेंगे, यानी ना तो वो खाल खींचना अच्छा था ना आज की तरह लिबर्टी अच्छी है, आजादी अच्छी है ना, मिक्सर होना चाहिए। क्योंकि डरे बिना तो कहते हैं ना परमात्मा से भी प्यार नहीं हो सकता, या पक्का डर हो, बड़ों का डर हो, तभी हम कुछ कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और जो आते हैं बचपन में सीख जाते हैं ना, वो लाइनें मेरी याद रखना, जो आते बचपन में पड़ जाती हैं जीवन भर रहती हैं। इन टाइम स्कूल जाने की आदत अगर बचपन से है तो आप बड़े होके भी हर काम समय पे करोगे, ठीक है। तो हमें उसे समाप्त हम इस तरह ही करेंगे कि दोनों तरह से दोनों चीजें जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, बच्चों की मानसिक स्थिति पढ़नी भी जरूरी है टीचर के लिए, थोड़ा बहुत डर होना भी जरूरी है, डर के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, दिस इज द होल लेसन। और क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं बीच में से, तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना होगा, लपेट के लेसन में फेंकना है। जैसे अब हरिहर काका का है, अब पूछा जाए कि अगर हरिहर काका की जगह आप होते और आज का वातावरण होता तो क्या होता, तो क्या होता? हम तो बहुत समझदार हैं, हमें तो पहले ही पता है कि अपने जीते जी अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं करनी चाहिए भाई, है ना। तो हरिहर काका को अगर इतनी समझ थी तो हमें भी है, पर आजकल तो मीडिया है, मैं तो पहले अटेम्प्ट में ही, मेरे साथ नहीं भला हो रहा तो मैं तो पहले अटेम्प्ट में ही अपनी जमीन समेटता, नौकर रखता और उससे रोटी बनवाता और अपने काम करवा के अपना, किसी पे आश्रित नहीं रहता, भाई के बच्चों पे आश्रित नहीं है। तो आज के जमाने यानी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ रख सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं आज खून सफेद हो गया है हरिहर काका पाठ के आधार पर, बताओ क्या बताएंगे? अरे अपने भाई के बच्चे अंगूठा लगवा रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसे पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है, दीज ऑल थिंग्स रिकमेंड ना बता रही हैं हमें कि कौन सफेद हो रहा है, खून लाल नहीं है, सफेद हो गया। ये तो अपने बच्चों से बचने के लिए कोई पुलिस रखे, है ना, और अपने घर के बुजुर्ग को ऐसे मतलब जबरदस्ती मार के उसे प्रताड़ित करके अंगूठे लगवाए जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। अब टोपी शुक्ला लेसन लेते हैं। टोपी शुक्ला लेसन में क्या है? दो बच्चों की कहानी है, एक टोपी है, एक इफन है, दो बच्चे हैं, एक टोपी है, एक इफन है, इफन मुसलमान है, टोपी हिंदू है, ठीक है। अब टोपी हिंदू है, भृगु नारायण का बेटा है, नीले तेल वाले उनका बेटा है, तो ये क्या है, घर में सबसे छोटा है, तीन भाई है, सबसे छोटा है। किसी को भी छोटे बच्चे का यही हाल होता है, किसी को भी काम पढ़ने बैठा है, किसी को भी काम याद आया ना छोटे को आवाज है,
घर में छोटा छोटा काम जो नौकर भी कर सकते हैं ना, वो भी उसी को आवाज दी जाती है, जिस कारण वो एक साल फेल हो गया। क्योंकि जब भी उठ के जाता है उसकी कॉपियों के जहाज बना लेता है भाई, इस कारण वो एक साल फेल हो गया। दूसरे साल वो फेल क्यों हुआ? उसे डाइवाइड हो गया। और हमारी परीक्षा की नीति ऐसी है कि अगर हम फाइनल एग्जाम ना दे सकें तो हम फेल हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे परीक्षा पे भी प्रश्न उठ सकता है, क्या आप इस तरह की परीक्षा प्रणाली से सहमत हैं कि सिर्फ वार्षिक परीक्षा पे ही परिणाम निकलता है? निकलता सच्ची आज तक वार्षिक परीक्षा पे ही परिणाम निकलता है। सारा साल आप जितना मर्जी घूमे हो, आपको यही रिकमेंड किया जा रहा है कि लास्ट पेपर में पढ़ लो भाई, अगर बाय चांस आप नहीं दे पाते तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर 10th क्लास। आज तक हमारी परीक्षा पद्धति वही चल रही है, जिसे कि थोड़ा बहुत बदलना होगा। बदल भी गया है थोड़ा बहुत, यानी इंटरनल असेसमेंट्स चल रही हैं, साथ साथ आपका हाफ ईयरली एक बार हो गया है कि आधा रिजल्ट तो आपका हो गया है, चल रहा है चेंज सिस्टम, लेकिन अभी तक पूर्णतः चेंज नहीं हुआ है ना। और फिर उसमें टोपी में क्या होता है, वो लास्ट में फेल हो जाता है। 3 बार जो अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं ना, उसको ताने देते हैं, बाई चांस वो हाथ खड़ा करता है ना, तो डरते डरते हाथ खड़ा करता है कि मैं क्वेश्चन का उत्तर दूं। फिर अगर करता भी है तो उसे कहते हैं तू बैठ जा, तेरे से अगले साल पिछले साल पूछेंगे, अगले आने वाले साल में। इन बच्चों को तो पढ़ के पास होना है, तूने कौन सा पास होना है, इससे फिर पूछेंगे। इस तरह की बातें उससे की जाती हैं ना। बच्चे भी उसके साथ दोस्ती नहीं करते, यानी उसकी दोस्ती फेल हो जाता है ना, उसकी दोस्ती बड़े बच्चों से होती है, दूसरी क्लास में मिलने जाता है। अब वो भी पास होके अगली क्लास में चले गए, वो और पीछे रह गया, 3 साल फेल हुआ ना, तो उसके साथ वाले बच्चे निकल गए 10th करके, और वो वहीं बैठा रह गया। तो अध्यापक क्या कहते हैं, तो अपने से छोटों से दोस्ती किया कर, क्योंकि अगले साल तुझे उनके साथ बैठना है, 7th के बच्चों के साथ। इस तरह की प्रताड़ना जो है, इस तरह के जो शब्द हैं वो उसे चुभते हैं। घर में भी बेचारे को प्यार नहीं मिला, घर में भी दादी कहती है लो जी हमारा पास हुआ है ना, तीसरे साल तीसरी डिवीजन में, थर्ड डिवीजन में तीसरे साल पास हुआ, वो भी थर्ड डिवीजन में, वो भी उसके लिए बहुत बड़ा ताना है। फिर क्या हुआ कि ये दो दोस्त हैं, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ सा बना के बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में रह जाए ये। हाँ, दो दोस्त हैं, एक टोपी है और एक इफन है, ठीक है। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इसकी भी माँ और दादी है, इसकी सिर्फ दादी का वर्णन है। इसका पिता डॉक्टर है, इसका पिता कलेक्टर है, इतना समझे, ठीक है। अब टोपी जो है ना, ये अपनी माँ की भाषा बोलता है, इसकी माँ पूर्वी बोली बोलती है, मोरा क्या करत है, तू क्या करत है, इस तरह की भाषा बोलती है, जो भैया रानी की भाषा होती है ना, ये वो बोली बोलती है माँ। इस पे असर माँ की बोली का है, ठीक है। दादी इसकी उर्दू बोलती है, मतलब सोफिस्टिकेटेड हिंदी लैंग्वेज, लेकिन ये दादी की लैंग्वेज नहीं जानता, इसको माँ की बोली अच्छी लगती है। इधर इफन की दादी की बोली भी पूर्वी है। ये जब भी या तो माँ के पास, लेकिन माँ दादी के बहकावे में आके पिटाई कर देती, तो जाता है इफन की दादी के पास, बड़ा सुकून मिलता है। इफन की दादी कहानियां सुनाती है, पूर्वी बोली बोलती है, उसे अपनी माँ की कैटेगरी की लगती है, बड़ी पसंद है उसे। एक दिन ये इफन को कह ही देता है, तू मेरे साथ दादी नहीं बदल सकता, एक दादी तो मांगी है तेरे से बदलने को। वो कहता है यार, इफन फिर उसे बताता है कि यार दादी सिर्फ हम दादी नहीं बदलेंगे, वो मेरे पापा की माँ भी है, इसलिए हम नहीं बदल सकते। तो उसे पता चलता है कि वाह ठीक है, सही कह रहा है, नहीं बदल सकते, है ना। तो फिर कहता है, वो कहता है, टोपी कहता है, मेरी दादी बताती है जो बूढ़े हो जाते हैं ना मर जाते हैं, मेरी दादी मर जाए, लेकिन होता क्या है, इफन की दादी मर जाती है। अब इस बेचारे के साथ एक तो 3 बार फेल हुआ, एक इफन की दादी मर गई, एक इफन के पापा का कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, ये बेचारा बिल्कुल गला, क्या करे। किसके पास गया, अपनी नौकरानी सीता के पास, उसकी बोली भी पूर्वी बोली। अब जो कोई नौकर के साथ ज्यादा देर टाइम बिताएगा, नौकर मीन्स लीव दिस लीव दिस लीव दिस, चल छट चल छट चल छट, उसकी आत्मा भी छोटी हो जाएगी ना, रिवोल्ट करने की, अपोज करने की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उसकी आत्मा भी छोटी हो जाती है टोपी।
फिर दो और इंसिडेंट है, एक बार टोपी को ना कोट सिलवा के दिए जाते हैं इनको, तीनों भाइयों को, तो इससे बड़े भाई का कोट थोड़ा छोटा सिल जाता है, वो टोपी को दे दिया जाता है। तो टोपी कहते मैं उतरा हुआ कोट नहीं पहनूंगा किसी का, है ना, उसे गुस्सा आ जाता है, उसकी ईगो जागृत हो जाती है, उठा के नौकरानी को देता है, तो अपने बेटे को पहना दियो, मैं तो नया कोट लूंगा। अब सारे उसे कहते हैं कि ये था नया, पर वो कहते हैं तो उतरन है ना, भाई के लिए सिलवाया था, मैं क्यों लूं ना, तो उसको कोट सिलवा के ही नहीं दिया जाता, कहा जाता है अब तू जाड़ा खा, ठंड में रह। तो वो कहते हैं हम जाड़ा वाड़ा नहीं खाएंगे, आपको नहीं पता जाड़ा खाने की चीज़ नहीं होती, सब्जी कोई खाने की चीज़ होती है, मतलब इस तरह के डायलॉग्स हैं, लेकिन उसके साथ बेचारे के साथ बहुत बुरा होता है, उसे कोट नहीं सिलवा के दिया जाता। अब एक बार और क्या इंसिडेंट होता है, टोपी और वगैरह पूरा परिवार खाना खा रहा है बेटा, तो वहां पे टोपी कहता है, आवाज देता है अम्मी कुछ पकड़ने के लिए, वो वहां तो सबके हाथ रुक जाते हैं, ये अम्मी जब कहां से आ गया हमारे घर में, सब वही के वही रुक जाते हैं। इससे पूछा जाता है अम्मी कहाँ से सीखा, कहता है हम कौन से सीखे हैं अपने दोस्त से। वहां पे बड़ा मजमा लगता है, और क्या होता है इसके बड़े भाई ना खुद कबाब खा रहा होता है, कभी कबाब मतलब नॉन वेज, लेकिन इल्जाम देता है टोपी को हमने कबाब खाते देखा है। अब टोपी सोचता है काश भगवान एक दिन मुझे इससे बड़ा बना दे तो मैं इसको बताऊंगी, पर वो छोटा है तो छोटा रहेगा, बड़ा बनने वाला नहीं, बेचारे को मार के डांट के ना रोक लिया जाता है वहीं पे, यानी वो नहीं अपोज कर पाता। दिस इज द स्टोरी ऑफ, अब उस दिन पता चलता है कि इसका दोस्त इफन है, मुसलमान है, फादर फायदा उठाने चले जाते हैं कलेक्टर से, अपना कुछ ना कुछ फायदा उठा लाते हैं कि मेरे बेटे का दोस्त तेरा बेटा है, इस तरह करके, यानी हर कोई मतलब ही है। टोपी को कोई नहीं समझता, एक छोटे बच्चे को समझना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग अगर कहीं बच्चे इस उम्र में आके मिसबिहेव करते हो ना, तो बहुत शांति से पेश आना होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर मार पिटाई डांट वाले काम आपसे किए ना, तो फिर तो आप अड़ियल घोड़े हो, करवा लो हम किधर को लो करवाना है, यू नो दिस वेरी वेल। आपसे प्यार से बात करके, लपेट के, समेट के, आपकी साइकोलॉजी को रीड करके, फिर हम आपसे काम करवा सकते हैं, ठीक है। दीज वर द थ्री लेसन्स ऑफ योर बुक संशयन, और हर लेसन मार्वलस लेसन है, मजेदार लेसन है हर लेसन, कोई ऐसा नहीं कह सकते आप भी एक भी लेसन ऐसा है जिसे पढ़ के मजा नहीं आया। ठीक है, पता नहीं समय कितना है, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको सूचना के बारे में बताती हूँ, 4 मिनट्स हैं, थोड़ा सा सूचना के बारे में, वैसे तो कल भी आएगा परसों भी आएगा, कल हम सूचना ही करेंगे, आएंगे ना कल, क्यों नहीं आना, जाना जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। हाँ मैं देख रही हूँ, आई कैन फील दैट, मैं महसूस कर पा रही हूँ आपको। सूचना क्या होना है, सूचना मीन्स नोटिस इंग्लिश में जो लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर संस्था का नाम होता है, जो भी संस्था हो, स्कूल हो या जो भी संस्था, ये नोटिस पे डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ से नोटिस देना चाहते हैं। इफ वी आर गोइंग टू गिव द नोटिस, राइट द नोटिस फ्रॉम द स्कूल, स्वामी संदा पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे स्वामी संदा स्कूल, अगर कोई संस्था है, कोई और संस्था है, तो उस संस्था का नाम आएगा, संस्था का नाम आता है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं नोटिस, सूचना, ये हमेशा सूचना ही देना है, ठीक है। इसके बाद हम उसका हेडिंग देंगे कि हमारी सूचना क्या है, जैसे मैंने उस दिन दिया था घड़ी खो गई है, तो उसका है, तो यहाँ पे मैंने कहा था आपको खोया पाया, सूचना लॉस्ट फाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद सूचना शुरू करेंगे, आपसे आपको सूचित किया जाता है कि मुझे ग्राउंड में एक घड़ी कोई हुई मिली है, है ना, उसका रंग नीला है, उसका स्टेप ये है, मुझे रिसेस के समय में मिली थी, जिस किसी की भी हो मुझसे आकर ले जाए। नीचे आप किस हैसियत से लिख रहे हैं, आप कौन है, हस्ताक्षर, पहले हम नीचे साइन करेंगे, फिर हम कौन है हस्ताक्षर कर लेंगे, ठीक है, साइन करने के बाद नाम आएगा आपका, और फिर आपका डेजिग्नेशन आएगा,
अब जैसे आप एक कॉमन स्टूडेंट है, आपको मिल गई है, ठीक है, तो विद्यार्थी कक्षा दसवीं, आपका साइन भी हो गया, आपका नाम भी हो गया और बच्चा आपसे आकर ले जाएगा टेंथ क्लास में आकर, ठीक है। या आपको मैं कह देती हूँ कि म्यूजिकल, जैसे मैं कहती हूँ हिंदी दिवस मुझे करना है ना, आपको मैं हार्दिक को मैंने ड्यूटी दे दी एज अ हेड, हिंदी डिपार्टमेंट का मैंने हेड बना दिया, तो हेड को जो बच्चा हेड बनाया जाता है उसे कहते हैं सचिव, है ना, हिंदी डिपार्टमेंट का है, हिंदी विभाग हो जाएगा, तो क्या करेगा यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम सचिव हिंदी विभाग, विभाग हिंदी डिपार्टमेंट, हिंदी विभाग। अब मैंने कहा कि हाँ हाँ सभी को सूचित किया जाता है कि बीच में लिखेंगे ना, सभी को सूचित, वही बताने वाली हूँ बीच वाला ही। अब हिंदी विभाग की तरफ से मैंने पोस्ट कर लो हिंदी दिवस पे डिबेट करवानी है, डिबेट होता है वाद विवाद प्रतियोगिता, है ना, अब डिबेट करवानी है मुझे, तो यहाँ बीच में आएगा सभी को, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि हिंदी विभाग की तरफ से वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। अब वो कहाँ आयोजित की जाएगी, कितने बजे आयोजित की जाएगी, किस कक्षा के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारा नीचे इन्फॉर्म करना होगा लाइंस में, समय ये, टॉपिक ये, जैसे आपको नोटिस निकलते हैं आप पता ही, आपको आपको आते हैं सर्कुलर्स आते हैं ना, वो सारा हमें दिया होना चाहिए कि इतने बजे इतने बच्चे आने चाहिए, इतने ये है ना, सूचित किया जाता है कि सभी विद्यार्थी सभी रुचि लेने वाले विद्यार्थी अपने कक्षा अध्यापक को नाम जमा करवा दें। ओके, सिंपल सूचना है, इसका ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा होता है वो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे जैसे संस्था स्वामी संदर्श पब्लिक स्कूल आ गया, नेवर एवर राइट स्कूल, जब संस्था का वहां नाम दिया होगा ना पेपर में तभी संस्था का नाम लिखना है, अदरवाइज डैश डैश संस्था ही चलेगा, ठीक है, सूचना आ जाएगा। अब यहाँ पे खोया पाया नहीं है, आप क्या किस चीज की सूचना दे रहे हैं, हाँ वाद विवाद प्रतियोगिता, ये हेडिंग। ओके, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हिंदी दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता होने जा रही है ना, जो जिसका स्थान और जिसके बारे में नीचे दिया जा रहा है, स्थान कौन सा, हॉल, हाँ जिमनास्टिक हॉल, दो मिनट रुक जाइए, है ना, हिंदी विभाग सॉरी जिमनास्टिक हॉल, समय सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, टॉपिक जो भी टॉपिक आप देना चाहो विषय ये है, ठीक है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि रुचि लेने वाले विद्यार्थी अपनी कक्षा अध्यापिका को नाम जमा करवा दें, ठीक है, नीचे हस्ताक्षर नाम सचिव हिंदी विभाग, ठीक है।